गाइस, इट्स नाउ सो चैटी इन हियर। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि ये एक स्टोरी टाइम वीडियो, अ स्टोरी टाइम वीडियो अबाउट एन इंसिडेंट जो मेरे साथ पिछले हफ्ते हो चुकी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट लेफ्ट अ वेरी डीप इंपैक्ट ऑन मी। इट इन्वॉल्व्स माय स्टीम अकाउंट गेटिंग हैक्ड एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड रियल क्विक। तो इससे पहले कि मैं तुम लोग को इंसिडेंट के बारे में बताऊं, लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड डिटेल्स। हमारे कॉलेज की दशहरा की छुट्टी 5 तारीख को थी ऑफिशियली, लेकिन हमें तब भी कॉलेज आना था 3 और 4 तारीख को। भले ही टीचर्स खुद नहीं आ रहे थे, लेकिन तब भी बच्चों को आना था। अब ये बात मुझे कैसे पता? मैं मंडे 3 तारीख को जाके देख के आ चुका हूँ, टीचर आया ही नहीं। यही सेम चीज 4 तारीख को भी हुआ। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो थर्सडे से ही कॉलेज जाऊंगा मैं। सो एनी हाउ, मंडे को जब मैं कॉलेज से वापस घर आया तो मैं यूट्यूब चलाने लगा, क्योंकि ऐसे ही करते हैं अच्छे स्टूडेंट्स, घर आके पढ़ने के जगह यूट्यूब चलाते हैं एंड गेम खेलते हैं। सो यूट्यूब चलाते चलाते मुझे एक वीडियो मिली अबाउट अ फ्री टू प्ले गेम, जो पहले फ्री टू प्ले नहीं थी। मैंने उसके बारे में एक न्यूज आर्टिकल की पढ़ी ऑनलाइन जो अवेलेबल थी, और उसका स्टीम पेज भी था अपेरेंटली, जो मैंने चेक नहीं किया कि वो सेफ था कि नहीं। एंड मैंने उसे अपना स्टीम आईडी लॉग इन कर दिया। उसके बाद अगले दिन जब मैं घर आता हूँ और 6 बजे तक वैलोरेंट खेलता हूँ, 2 से 6, यस वैलोरेंट खेलता हूँ मैं। कम ज्वाइन विद मी, बहुत मजा करेंगे, ठीक है। वैलोरेंट खेला था आराम से, इट वॉज फन। कुछ देर बाद मैं गेम को बंद करता हूँ और अपना फोन चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास 2 ईमेल आया हुआ होता है स्टीम के तरफ से। एंड गेस करो कि मेरे पास क्या आता है। सबसे पहले होता है, डियर नॉट सोसाइटी, योर ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद योर स्टीम अकाउंट हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है, डियर नॉट सोसाइटी, योर स्टीम पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। अब ये दोनों मेल पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा चौंक जाता हूँ और मैं स्टीम पे अपना लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। गेस व्हाट, जिस चीज का डर था वही हुआ, मेरा अकाउंट हैक हो गया और मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ। इस चीज की वजह से मैं पैनिक करने लग जाता हूँ, लेकिन जैसे तैसे करके स्टीम हेल्प डेस्क के अकाउंट रिकवरी वाले सेक्शन में जाके मैं नेसेसरी डिटेल्स भरता हूँ, जैसे मेरे ईमेल एड्रेस जिससे मैंने अपना अकाउंट बनाया था, अपना फोन नंबर और बाकी और छोटे मोटे डिटेल्स। एंड मैं फिर अगले दिन तक इंतजार करता हूँ, और यही सब करने के दौरान मेरे पास यूट्यूब स्टूडियो पे नोटिफ आता है कि मेरे किसी रिसेंट वीडियो पे मेरे को अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं एंड ऑल। अब मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही वीडियो पे आ रहा है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ अच्छे से, तो मेरे को पता चलता है कि जो हैकर है उसने सिर्फ मेरा स्टीम अकाउंट ही नहीं, उसने मेरा यूट्यूब चैनल भी हैक कर लिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसने मेरा पासवर्ड चेंज नहीं किया। बुद्धू, उस रशियन गवार ने मेरे चैनल पे एक स्कैम वीडियो अपलोड करके रखी हुई थी, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है, और उस वीडियो पे व्यूज लाने के लिए उसने बॉट्स का इस्तेमाल किया ताकि वो सब लोगों के पास पहुंच जाए। और कुछ चूतिया बच्चे जो होते ही है, जिन्हें क्रैक गेम डाउनलोड करने का शौक होता है, वो लोग उसके वेबसाइट पे जाएंगे, क्रैक गेम को डाउनलोड करेंगे, और उस गेम के साथ साथ एक मालवेयर भी आ जाएगा जो उनके कंप्यूटर से कीस्ट्रोक करके सारे पासवर्ड हैकर के पास पहुंचा देगा, और इसी के साथ अपना कंप्यूटर हैक करवा लेंगे। अब तुम लोग मेरे से पूछोगे कि मुझे कैसे पता वो बंदा रशियन था? तो वो बंदा बेसिकली बैंडी कैम यूज कर रहा है, ठीक है, OBS भी नहीं यूज कर रहा, बैंडी कैम यूज कर रहा है। उसका वाटरमार्क भी आ रहा था वीडियो के ऊपर टॉप में, और उसके डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स थे सबका नाम रशियन में लिखा हुआ था। सो यार, मुझे पता है। पासवर्ड चेंज करने के बाद अकाउंट वापस मेरे हाथ में आ गया और मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन तब भी मेरे को रात में नींद नहीं आई, क्योंकि मेरा अकाउंट हैक हो चुका था और मेरी डेस्टिनी 2 की प्रोग्रेस सब उसी अकाउंट में थी। तो अगर मेरा अकाउंट मेरे को वापस नहीं मिलता तो मैं ना विच क्वीन ले पाता और ना ही लाइट फॉल DLC, मुझे सब कुछ फिर से लेना पड़ता, फॉरसेकन, शैडो कीप, बियॉन्ड लाइट, सब फिर से। मेरी जितनी भी प्रोग्रेस थी, इन गेम प्रोग्रेस, सब मेरे हाथ से चली जाती हमेशा हमेशा के लिए। सुनने से पहले मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश करी। मैंने इसी टॉपिक के अराउंड बहुत सारे वीडियोस देखे कि दूसरों का अकाउंट कैसे हैक हो गया था स्टीम वाला, लेकिन उन्होंने कैसे अपना अकाउंट वापस ले लिया। इसके बावजूद भी मेरे को नींद नहीं आई और मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैं टॉयलेट में घुसता हूँ फ़ोन लेके, यस बहुत बुरी आदत है बट क्या करूँ, और मैं ईमेल चेक करता हूँ। तो मेरे पास एक ईमेल आया हुआ था स्टीम की तरफ से, एंड दिस इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि जो चैलेट होती है, मिसेस चैलेट, मिस्टर चैलेट, आई डोंट नो,
वो हेल्प डेस्क की तरफ से उनके तरफ से मेल आया होता है एंड उन्होंने मेरा अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर दिया, उन्होंने मुझे वो चीज़ भेज दिया ताकि मैं अपना अकाउंट रिक्लेम कर सकूँ एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। अच्छा हुआ कि मैंने अपना डेबिट कार्ड अपने स्कीम अकाउंट के साथ लिंक नहीं किया था, वरना रशियन चूतिया तो मेरा सब पैसा ही निकाल लेता अकाउंट से। उसके बाद फिर से मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया एंड मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दिया फॉर डबल सेफ्टी ऑफ कोर्स। इसी के साथ स्टोरी का यही पे दी एंड होता है। जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ जिस दिन मेरे को पता चला कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है स्टीम अकाउंट, तो मेरे को एक अनकैनी फीलिंग होती है कि अगर मेरा अकाउंट मेरे को वापस नहीं मिला हुआ होता तो क्या होता। क्योंकि बेसिकली देखो यार, हैकर भी कभी कभी क्या करता है, वो तुम्हारा अकाउंट हैक कर लेता है, तुम्हारा जीमेल एड्रेस हटा लेता है, पासवर्ड चेंज कर देता है और अपनी तरफ से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लेता है। तो अगर तुम रिकवरी वाले सेक्शन पे भी जाओगे ना स्कीम के हेल्प डेस्क पे अकाउंट रिकवरी के लिए, तो तब भी तुम अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे क्योंकि अब वो उसने क्लेम कर लिया है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बता रहा हूँ गाइस, जो लोग स्टीम यूज करते हैं सस्पिशियस वेबसाइट पे जाना बंद कर दो। जो स्टीम लॉगिन की तरह दिखते हैं, ऑफिशियल स्टीम पेज की तरह लगते हैं, लेकिन उनका यूआरएल एक बार चेक करना तो पता चल जाएगा कि वो स्कैम है। और अपने स्टीम अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दो, अपना फोन भाई लिंक कर लो ताकि अगर कोई हैक करने की कोशिश करे तो तुम्हें नोटिफ आ जाए कि किसने कोशिश करी थी ऐसी। ठीक है, उसी के साथ आज के वीडियो समाप्त। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं उन सभी लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी कहानी सुनी जब मेरा अकाउंट हैक हो गया था इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड पे, जिन्होंने मेरे को एक कंधा दिया रोने के लिए और फिगरेटिवली नॉट लिटरली मेरे कंधे पे हाथ मारा और बोला कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक्स टीम हेल्प डेस्क जिन्होंने मेरा अकाउंट रिकवर कर दिया एज क्विकली एज पॉसिबल, वरना देर हो जाती भाई। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को घर में पोछा लगाना है, ठीक है, वरना मम्मी आके मारेगी मेरे को। ठीक है, बाय।